जून में अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा कप्तान बन चुके हैं, टीम बन चुकी है, काफी चर्चाएं भी हैं टीम को लेकर, शुभमन गिल टीम से बाहर हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका में पहली बार T20 वर्ल्ड कप है, भारत पर दबाव भी है कि बड़े सालों से झोली में कोई बड़ी ट्रॉफी खासकर वर्ल्ड कप जैसी नहीं है। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह मौजूद हैं। योग पाजी, वर्ल्ड कप का नाम जहन में आते ही ना कुछ होने लगता है, युवराज सिंह याद आने लगता है, बड़े बड़े प्लेयर याद आने लगते हैं, लेकिन ये अमेरिका में वर्ल्ड कप है, टीम आपने देख ली है। पहला सवाल मेरा शुभमन गिल से शुरू करूंगा, सेलेक्टर्स ने जब टीम चुनी कहा कि हम बड़े कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, शुभमन गिल बाहर है, आपके मुताबिक क्या है ये, कैसा कठोर निर्णय है कि एक प्लेयर इतना अच्छा T20 में कर रहा है, IPL में कर रहा है, एक फ्यूचर कैप्टनसी के बारे में आप लोग सोच रहे हो और सडनली विदाउट ए रीजन आप उसको टीम से बाहर निकाल देते, मुझे कुछ समझ में नहीं आई बात। ये चीज़ें होती रही हैं, बहुत साल पहले भी होती थी, आज भी होती हैं, और कोई सवाल करने वाला है नहीं। नहीं, क्या करंट फॉर्म देखा गया, क्योंकि इस IPL की बात करें तो शुभमन गिल ठीक ठाक कप्तान है, पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन जो पहले किया क्या वो देखना चाहिए था? शुभमन गिल ड्रॉप करना बनता नहीं है, वो आपका रेगुलर मेंबर है, ही हैज बीन स्कोरिंग रन्स, और अब इसके बारे में चर्चा हम कर ही सकते हैं, बात अपनी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा होता रहा है, बेस्ट ऑफ प्लेयर्स जो फॉर्म में थे उनको बहुत बार ड्रॉप किया गया, क्या रीजंस हैं वो कोई सेलेक्टर्स को सवाल करने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, बट आई थिंक शुभमन गिल शुड हैव बीन इन द स्क्वाड। उनके जगह हैं जायसवाल, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, अच्छा उभरता हुआ बैट्समैन है, लेकिन बात की जाए दोनों की कि ओपनिंग स्लॉट में कोई एक हो सकता था, उसमें से जायसवाल को चुना गया। जायसवाल अच्छा प्लेयर है, आपको मैं समझता हूँ कि एक बेंच स्ट्रेंथ रखनी चाहिए, बेंच स्ट्रेंथ आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अगर ऊपर कोई फेल हो रहा है, कोई प्लेयर रेगुलरली फेल हो रहा है, तो आपके पास इमीडिएटली एक रिप्लेसमेंट ऐसी हो जो जाते फिट हो जाए, और हर बात पे युवराज सिंह की बात आती है, वो जाते इंडियन टीम में फिट हो गए, उन्होंने रन किए, फील्डिंग करी, क्योंकि प्रिपेयर थे, सो आई थिंक बेंच स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए कि हाँ आपको लगता है ये प्लेयर को मैंने बहुत चांस दे दिए हैं। मुझे चंद्रकांत पंडित का यहाँ पे एक बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इकट्ठे मफतलाल में खेले 8-10 साल, और उन्होंने बहुत कुछ वही किया जो मैं करता था वहाँ मफतलाल की टीम में, वो मेरे कंटेम्प्रेरी भी थे और पर मेरे साथी भी थे, सो आई थिंक ये बड़ा अच्छा है कि अगर आपका बैट्समैन स्कोर नहीं कर रहा है और आपके वो पायदान पर नहीं है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई वो दरवाजा खुला, आप जा सकते हो, पर मैं समझता हूँ कि किसी को बगैर रीजन पर ड्रॉप कर देना, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हुए हैं 2011 के बाद, उमेश जब टीम सारी बदली, क्या रीज़न थे कि आपने 6-7-8 प्लेयर निकाल के बाहर निकाल दिए और आपने फिर वर्ल्ड कप जीता नहीं? उसके बाद जो टीम जीती है उसको कंटिन्यू तो करो एटलीस्ट एक वर्ल्ड कप के लिए, ओ किसी ने सवाल किया नहीं है, एवरीबॉडी वाज ड्रॉप्ड, सो मैं समझता हूँ कि कई बार टीम बनती 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 खराब हो जाती है, और कई बार टीम जब खराब हो जाती है फिर बनाते बनाते सौरभ गंगोली जैसे उसको नंबर वन पे ले आते हैं, सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए ये सोच लेना कि प्लेयर को आप इमीडिएटली ड्रॉप मत करो, उसको एक वार्निंग दो कि देखो भाई हम तो उसे 40-50-60 एक्सपेक्ट नहीं करते, एज अ बैट्समैन अगर मैं कोच हूं भाई तुमको 100-150 कर रहा है, यू शुड बी अ मैच विनर, अगर उस पायदान पे नहीं है यू ड्रॉप हिम नो प्रॉब्लम। इस टीम में आपको क्या लगता है कि अगर बल्लेबाजी की बात की जाए, रोहित, सूर्य कुमार यादव, जायसवाल, विराट कोहली, आप ऑलराउंडर्स की बात करें और बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, अर्शदीप हैं टीम में लेफ्ट आर्म, तो स्पिन डिपार्टमेंट में चहल वापस आ गए हैं, ये बैलेंस टीम आपको लगती है कि मादा है इस टीम में जीतने का? एक बात तो बहुत अच्छी हुई है कि जब से IPL शुरू हुआ है इंडियन प्लेयर्स उभर के आगे आने लगे, शिवम दुबे का नाम है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मैं अभी IPL देख रहा था, बहुत ब्रिलियंट यंगस्टर्स जो है हमारे, क्योंकि हमारे देश में हो रहा है ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसी टीम बननी चाहिए कि जिस टीम में जगह बनाने के लिए प्लेयर को ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने 4 मैच में परफॉर्म किया है तो मुझे अगले मैचों में परफॉर्म करना पड़ेगा, सो आई थिंक जितने भी प्लेयर्स आए हैं बहुत अच्छा खेल रहे हैं, शायद इंडियन टीम आज एक पायदान पे आके खड़ी हो गई है जहाँ पे हर प्लेयर जो है वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि IPL एक ऐसा एक्सपोजर है T20 के लिए या 50 ओवर्स के लिए कि जहाँ पे गेम बिल्कुल चेंज हो गई है, और बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स जो शायद कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम हिंदुस्तान खेलेंगे
उनको एक बहुत शॉर्टकट रास्ता मिला है ऊपर जाने का, ये बहुत अच्छा हुआ है। रोहित शर्मा कप्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 चल रहा है पाजी, उम्र उनकी बढ़ती जा रही है, आपके मुताबिक रोहित शर्मा कितने साल और या क्या ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप है? ये जो उम्र की बात आप करते हो ना रमेश जी, ये मेरे कभी जहन में फिट नहीं आती, उम्र हो गई है, फलाना हो गया है, क्या ये बातें हिंदुस्तान में होती रहती है। अगर आप सुनो ना यार बात, 40 42 साल 45 साल के अगर आप फिट हो और आप परफॉर्म कर रहे हो आउटस्टैंडिंग के लिए, तो आपको उम्र क्या कहती है? एज फैक्टर जो हमारे यहाँ है, 40 साल का आदमी कहता है यार बस अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब मैं खत्म हो गया। प्लेयर जो है वो 40 साल के नजदीक चला गया, इसको अब निकाल देना चाहिए। मोहिंदर अमरनाथ 38 ईयर्स ओल्ड, वर्ल्ड कप जिता के लाया आपको, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, आपने आते उसको निकाल दिया, क्यों? क्योंकि उसकी एज हो गई है। अरे वो आदमी आपको वर्ल्ड कप जिता के लाया। सो आई थिंक इंडिया में ये जो एज फैक्टर ये निकाल देना चाहिए। रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर हैं, रोहित शर्मा और वीरू दो इतने ग्रेट प्लेयर हैं मेरी बुक में कि जिनको शायद फिटनेस और ट्रेनिंग का कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। अगर वो फिटनेस और ट्रेनिंग करें आउटस्टैंडिंगली तो शायद वो 50 साल तक खेल सकते हैं। ये सर गारफील्ड सोबर्स ने अपनी किताब में लिखा और उसने कहा कि मैंने बहुत क्राइम किया है, अगर मुझे पता होता कि फिटनेस और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं शाम को पार्टियों में ना जाता, शराब ना पीता, घोड़सवारी ना करता। एक बार उसने मैच टेस्ट में खत्म कर दिया क्योंकि हॉर्स राइडिंग हॉर्स रेस में जाना था बॉम्बे में पैसे लगाने के लिए। तो उसने बुक में लिखा कि अगर मैं फिटनेस और ट्रेनिंग करता तो शायद मैं वो इतने रन कर जाता जो जिंदगी में कोई आदमी सोच नहीं सकता। सो मैं समझता हूँ कि कोई भी प्लेयर हो, कोई भी इंसान हो, एज फैक्टर मैटर नहीं करती, हाउ फिट यू आर वो मैटर करता है। एक बात और है इंडियन क्रिकेट में, आपको लगता है कि प्लेयर जब भी रिटायरमेंट लेता है या प्लेयर लेने की स्टेज पे आती है, बीसीसीआई और प्लेयर के बीच एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसको पहले बता देना चाहिए कि भाई साहब आप खेल रहे हो तब तक फिट है, या आप अपना डिसीजन बताते हो, प्लेयर को चाहिए बीसीसीआई को कन्वे करना, बीसीसीआई को चाहिए प्लेयर के साथ बात करना? वाह क्या बात, क्या सवाल पूछा। मैं एक सवाल पूछूं जी, सब जवाब देना देशवासी और हिंदुस्तान दुनिया के लोगों, क्या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड किसी भी देश का उनकी वजह से क्रिकेटर है या क्रिकेटर्स की वजह से वो बोर्ड है? क्या वो बोर्ड क्रिकेटर्स के नाते पैसे कमा रहा है और अपनी शानो शौकत रख रहा है या उनकी वजह से क्रिकेट चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिकेटर्स की वजह से बोर्ड है, क्रिकेट की वजह से प्रेसिडेंट्स हैं, ट्रेजरर्स हैं, पैसा है, अरबों खरबों रुपया है। क्रिकेटर्स का एहतराम करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में वो कामयाब है जो कहता करके दिखाऊं, अरे भाई भाई मैं आपका बच्चा हूँ यार, मुझे अपने पास रख लो यार। पाजी ये गुलामी जो है ये सबको पसंद है और मुझे दुख होता है कि जिस आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं वो आदमी नहीं, वो नरकों की जूनी भुगत रहा है। हमारा बोर्ड के पास जो पैसा मिला है वो क्रिकेटर्स की वजह से मिला है उमेश, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं हम खुदा है, इधर आओ, इधर चलो, तुम ऐसे करो, ये करो। ये मैंने देखा है, कौन सा ऐसा देश है? अगर आपने राज करना है किसके ऊपर राज करोगे, जानवरों के ऊपर? नहीं, इंसान चाहिए ना। तो इंसान है तो आप राजा हो, अगर वो इंसान ही नहीं है तो राजा किस काम के हो? सो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन नहीं, एक पेरेंटल, वो पेरेंट्स, ये बच्चे, वो पेरेंट्स का जो बुढ़ापा है, उनकी गद्दी है, वो बच्चों की वजह से है। सो ये कम्युनिकेशन और एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए। अब बात करते हैं वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में हो रहा है। ICC ने युवराज सिंह, द ग्रेटेस्ट युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वर्ल्ड कप का। छोड़े हुए युवराज को काफी साल हो चुके हैं और यूवी आप जब खेलते हैं कहीं तो दर्शक कहते हैं कि वाह ऐसा बैट्समैन है। आपको दिन जब ये चीज़ हुई कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया, फोटोग्राफ्स आपने शेयर की, हमने भी देखी, नेचुरली पुरानी चीज़ें, पुराना वो दौर तो याद आता ही होगा आपको। मुझे ये समझ नहीं आई आज तक कि हमारे इस देश में रहते हुए वो ब्रांड एम्बेसडर BCCI क्यों नहीं बने, जितने भी ग्रेट प्लेयर्स बने हैं वो ICC ने उनको क्यों बनाया, रिकमेंडेशन उन्होंने क्यों दी, भारत रत्न युवराज सिंह को क्यों नहीं मिला? और मिलना चाहिए था, बाकी प्लेयर को मिलना चाहिए था। सो आई थिंक मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि चलो एक पौधा लगाया, उसको एज अ क्रिकेटर लोग पूछते हैं, उसको एज ए इंसान भी लोग पूछते हैं। पद्मश्री आई थिंक मिला हुआ शायद। हाँ, वो मैं भारत रत्न की बात कर रहा सर आपसे।
जो कि सबसे बड़ा अवार्ड तो मिलना चाहिए था, क्योंकि जो अवार्ड्स होते हैं ये आदमी की जिंदगी बढ़ा देते हैं, शान शौकत है देश की। सो ये रिकमेंडेशन जो ICC ने किया है बहुत ग्रेट बात है, एंड आई अप्रिशिएट देम। और मेरी यूवी को देख के लगता है कि वो बहुत कुछ लीड कर सकता है, एज ए कोच बहुत कुछ कर सकता है, ब्रिलियंट है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन कमाल की बात है कि PCA और BCCI उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर आपने सवाल पूछा इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए तो बहुत गौरव की बात है, फख्र की बात है, देश के लिए भी बहुत फख्र की बात है कि वो आदमी आज एज एन एम्बेसडर ऑफ ICC वर्ल्ड कप को देख रहा है। एक लास्ट सवाल, वही बात करूंगा कि पिछला जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था आपने बड़ी भविष्यवाणी की थी, भारत फाइनल तक गया, हार गया। T20 वर्ल्ड कप है, भविष्यवाणी मेरी कुछ तक तो ठीक थी, आप फाइनल तक आपकी सही थी, इंग्लैंड पहुंचा नहीं था फाइनल में, आपने कहा था इंग्लैंड इंडिया होगा। इस T20 वर्ल्ड कप को लेकर आपकी क्या भविष्यवाणी? थोड़ा नगों में हेर फेर हो गई यार, मुझे पता ना मुझे नीलम डालना चाहिए। आई थिंक देखो मैं भारतीय हूँ और भारत की बात करूंगा और बात भी सच्ची करूंगा। आई थिंक एट द मोमेंट इंडियन टीम इज अ वेरी वेरी गुड टीम, है ना, क्योंकि IPL जो सब लोग खेल रहे हैं फ्रेश हैं, और जाके ये T20 इंडिया विल विन, मेरा हिसाब तो ये है। और शायद इस बार मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इंडिया जरूर जीतेगी फाइनल में जाकर। यस, चलिए उम्मीद करते हैं इंडिया जरूर जीतेगी। बहुत बहुत थैंक यू योगपा जी, बड़ा मजा आता आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू। तो इस बार योगराज सिंह ने बोल दिया कि फाइनल जाएंगे और इस बार जरूर जीतेगी। भविष्यवाणी इनकी बहुत क्लोज रहती है, पिछली बार भी रही थी, लेकिन इस बार टीम इंडिया, सुन लीजिए, बहुत भरोसा है आप पर, लोगों का, भारतीयों का, पूरे दुनिया में रहने वाले भारतीयों का, जीत के दिखा दीजिए ट्रॉफी। वीडियो जर्नलिस्ट सनी सिद्धू के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।